हे गाइस, वेलकम बैक टू एलपी ब्लॉग्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा सीओई क्या होती है, आपको क्यों प्रोवाइड की जाती है, कितना प्रोसेसिंग टाइम होता है और सीओई में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। डिटेल में वीडियो होगी, बिल्कुल भी स्किप मत करना, सब जान जाओगे। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि स्टडी वीज़े के रिलेटेड सभी वीडियो आपको इस चैनल में मिलेंगी। मेडिकल के रिगार्डिंग और जीटी इंटरव्यू के ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप उनको भी देख सकते हो। उससे पहले इस वीडियो को देख के जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीओई, कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। सीओई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ से एक स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज एक स्टूडेंट को कन्फर्म करते हैं कि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, फंड्स और इंटरव्यू के रिगार्डिंग, सब बच्चे ने क्लियर कर लिया है। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज बच्चे की एडमिशन कन्फर्म कर लेती है और उसकी सीट भी कन्फर्म कर लेती है। तो जो भी उस बच्चे ने कोर्स सेलेक्ट किया होगा, जब भी उसकी डेट आएगी स्टार्ट होने की, तो वह एनरोल कर सकता है। अब बात करते हैं कि सीओई आपके पास क्यों होनी चाहिए और सीओई की आपको ज़रूरत कब पड़ती है। तो सीओई की ज़रूरत आपको एम्बेसी में फाइल लॉन्च करते टाइम पड़ती है। आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़े के साथ जा रहे हो, तो आपका वहाँ किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन होना ज़रूरी है। और सीओई आपको तभी प्रोवाइड की जाती है जब आप ऑस्ट्रेलिया में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे। बिना सीओई के आप वीज़ा फाइल नहीं लगा सकते, इसलिए आपको सीओई की ज़रूरत पड़ती है वीज़ा फाइल लगाने के लिए एम्बेसी में। तो अब बात करते हैं सीओई आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले ऊपर लिखा होता है दिस इज नॉट अ वीज़ा एंड डज नॉट एक्ट हैज एन एक्सटेंशन ऑफ योर वीज़ा। दूसरा कोर्स डिटेल, यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी की ईमेल और कोर्स कब स्टार्ट होगा, कोर्स का नेम, कोर्स कब एंड होगा, आप कितनी फीस पे करके जा रहे हो और आपके टोटल कोर्स की कितनी फीस है। दूसरा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ और आप कौन सा एग्ज़ाम यहाँ से देके जा रहे हो, जैसे पीटी और आईलेट्स, आपका कितना स्कोर था वो सब। और लास्ट में मेंशन होता है कि जो इंश्योरेंस है वो आपने खुद लिया है या यूनिवर्सिटी की फीस में इंक्लूड था। अब बात करते हैं कि सीओई का प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का जो टाइम है वो 3 to 7 वर्किंग डेज है। तो जो मेरी सीओई थी वो 3 दिन में आ गई थी और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो काफ़ी टाइम ले लेती हैं। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।